नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल योगी आदित्यनाथ को तो आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और उन्हें फ्रांस बुलाया जा रहा है। फ्रांस क्या करने के लिए? तो दंगा कंट्रोल करने के लिए। बाहरी देशों में सीएम योगी की भी डिमांड वैसे ही बनती जा रही है जैसे कि पीएम मोदी की डिमांड है। अब मैं बोल रहा हूंगा तो अपोजिट के जो भी सपोर्टर्स होंगे उन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। और ये मामला क्या है, फ्रांस क्यों बुलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को और कौन बुला रहा है? दरअसल एक फ्रांस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया और इसके बदले में योगी जी ने भी ट्वीट किया। इसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि भले ही बाहर से कहा जा रहा है कि उनको बुलाओ, यहाँ पे दंगा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यहीं के नेता अपोजिशन पार्टीज के उन पे उंगली उठाते हैं कि उनके उत्तर प्रदेश में ही दंगा होता है और योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पाते हैं। ये उन पे आरोप लगते रहते हैं और क्यों लगते हैं मैं ये बताऊंगा विद प्रूफ, क्योंकि लगने का कारण भी है, लेकिन जनता प्रसन्न भी है योगी आदित्यनाथ से, चाहे कितना भी यहाँ पे वैसे तरीके से अपराध हो जा रहे हैं, इनकाउंटर हो जा रहे, मतलब जो भी है डायरेक्ट आके गोली मारा जा रहा है। थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे योगी और मोदी, अगर आप भारत में हो और योगी और मोदी को नहीं जानते तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है कि आप भारतीय हो अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स को जानते हो। दरअसल जब भी बीजेपी जब से 2014 में आई है और फिर उसके बाद आए हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है पहले से भी थे बट चर्चा में आए, और उसके बाद एक ऐसा माहौल सा बन गया ना कि योगी मोदी डबल इंजन की सरकार, ऐसा वाला कहावत। और सिर्फ बीजेपी कहती तब तो चलता कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे में डबल इंजन है, डबल इंजन की सरकार है, ये अगर बीजेपी कहती तो चलता। इस बात से चिढ़ते विपक्षी हैं, ठीक है, और वो भी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, यानी योगी और मोदी की सरकार। और ये है, अमित शाह भी इसमें आते हैं, मैं उनको नहीं भूल सकता क्योंकि वो भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, चुप रहते हैं बट चाल जो होती है वो माना जाता है कि अमित शाह बहुत चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ योगी आदित्यनाथ की कमियां मैं बताऊंगा, कमियां क्या हैं वो आगे आपको मतलब मैं बता रहा हूं अभी, चलिए ज्यादा इधर उधर नहीं करते। दरअसल हम पहला बात देखते हैं कि जो उंगली उठाने का योगी आदित्यनाथ के साइड मौका मिल जाता है विपक्ष को, वो किसको लेकर के मिल जाता है। दरअसल अभी हाल ही में एक घटना घटी थी, ठीक है ना, वो एक गैंगस्टर को लखनऊ के कोर्ट में दूसरे आदमी ने जाके मार दिया, कोर्ट में घुस करके गोली मारी गई, ठीक है, कोर्ट में घुस करके गोली मारी गई। ये पूरा का पूरा फैल गया, पूरे भारत में फैल गया, लोग बोलने लगे कि यूपी में देखो कोर्ट में घुस करके गोली मार दिया जा रहा है तो आम जनता तो फिर कुछ है ही नहीं। और मैंने भी ये तर्क दिया था, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिसको गोली मारी गई थी कोर्ट में घुस करके, वो भी व्यक्ति साफ व्यक्ति नहीं था, वो भी एक कह सकते हैं कि एक गुंडा ही था, ठीक है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसा मीडिया स्रोत से आ रहा है वैसे ही बता रहा हूं कि वो भी एक जो बोलते हैं ना अतीक जैसा था, ठीक है, जिसको गोली मारी गई थी। तो जनता ने ज्यादा इस पे गुस्सा नहीं व्यक्त किया कि सरकार क्या कर रही है क्या, क्योंकि जो व्यक्ति मरा कोर्ट में जिसको गोली लगी वो भी वैसा ही था, तो जनता ने कहा चलो यार उठ गया। फिर एक और घटना का याद दिलाता हूं आपको, अतीक वाला, अतीक का जो घटना था इस पे भी योगी आदित्यनाथ पे प्रश्न उठे, उंगली दिखाई गई, लेकिन हाँ यहाँ पे भी जनता जो थी वो कह रही थी चलो यार कोई इनोसेंट आदमी के साथ नहीं हुआ है, हुआ तो है अतीक के साथ में ही ना, जो कि लोगों को परेशान करता था, अब उठ गया, उसके कर्मों का फल मिल गया, ऐसा ही कहा जाता था। कोर्ट में घुसा और एक को गोली मारा गया, दूसरा अतीक वाला मैटर जिसमें मीडिया बन के आए और गोली मारे, दिन दहाड़े ये सब मर्डर हुए, दिन दहाड़े पुलिस के रहते हुए ये मर्डर हुए। अब आप समझ सकते हो कि जनता तो इतना मायने नहीं रख रहा है, जनता बोल रही है कि चलो यार ऐसे लोग थे, मारे गए, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि दिन दहाड़े ये सब होना, ये अपोजिशन पार्टीज को एक मौका मिलता है कि आप पे उंगली उठाए, और उठनी भी चाहिए, चाहे वो कितना भी टेररिस्ट ही क्यों ना हो,
यदि कोई व्यक्ति पुलिस के सामने गोली मार रहा है तो उसमें वो साहस आ कहां से रहा है? क्या सरकार वो साहस को तोड़ने में नाकाम है? ये सब प्रश्न उठते हैं और यही योगी आदित्यनाथ पे अपोजिशन प्रश्न उठाती है कि अपना स्टेट, अपना जो भी है वो तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और बात बड़ी बड़ी है। ऊपर से योगी आदित्यनाथ के राज्य में जब कोई क्राइम होता है तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस अधिकतर इनकाउंटर कर देती है, जिससे जनता तो बेसिकली खुश रहती है, पर यहां पे जो अपोजिशन वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। इससे भी योगी आदित्यनाथ पे उंगली उठती है। हालांकि ये तो अच्छी बात है, इनकाउंटर होना अच्छी बात है, क्योंकि आज तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं फेक इनकाउंटर नहीं है, कोई भी अभी चैलेंज नहीं कर पाया है उसको, ठीक है कि फेक इनकाउंटर है, ऐसे ही पुलिस ने मार दिया, ऐसा नहीं हुआ है। जो भी है, जनता प्रसन्न है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा उठता है योगी आदित्यनाथ पे कि ये सब चल क्या रहा है, ये गोली लोग सामने आकर के मार दे रहे हैं, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि ऐसा हो जा रहा है, लेकिन बाहर से अप्रोच योगी जी को, अब जाहिर सी बात है कि योगी जी वहां पे जाने वाले तो है नहीं, ठीक है ना, कि चलिए आपने बुला दिया हम चले जाते हैं, कि गवर्नमेंट तो भेजने वाली है नहीं, और वहां पे जाएंगे तो इनकी पावर भी कुछ नहीं रहेगी। लेकिन बाहरी जो बातचीत है योगी आदित्यनाथ के बारे में वो ये दर्शाता है ट्वीट। कौन किया है ट्वीट? ये किए हैं फ्रांस के, फ्रांस में इस समय थोड़ा सा आपातकाल जैसा स्थिति हो रहा है, दंगे चल रहे हैं, ठीक है, उसी के बारे में एक ट्वीट किया गया है। किसने किया है? शनिवार को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर एन जॉन कॉम ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगे भड़कता है, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया संतावना तलाशती है। उत्तर प्रदेश के महाराज जी द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। तो आप देख सकते हो कि योगी जी का जो छवि है वो बाहर की देशों में क्या है, ठीक है, और भीतर तो अपोजिशन का ये है ही कि अपोजिशन क्रिटिसाइज करता है और करता ही रहना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहते हो ये बताइए, अप्रोच तो योगी जी का ही गया है, अब निकलने वाले होंगे। चलिए आप अपना बताइए और जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ। नमस्कार।